चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें एक कप पोहा ऐड करेंगे। अब पोहा को अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे और इसको साइड में फूलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा पोहा फूल रहा है तब तक हम पैटीज का मिक्सर बनाकर रेडी करते हैं। अब एक पैन में हम 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हम 6 से 8 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए सौते करेंगे। और इसमें 3 से 4 ग्रीन चिलीज डालेंगे। आप ग्रीन चिलीज कम ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। और इसमें 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालते हुए इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें हम 1 चॉप किया हुआ अनियन डालेंगे और इसको भी अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं पकाना है, सिर्फ इसको गुलाबी होने तक हम पका लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज जो है वो अच्छे से गुलाबी हो चुका है। अब इसमें हम वेजिस ऐड करेंगे। इसमें हम 1 फाइनली चॉप की हुई कैप्सिकम, 1/2 फाइनली चॉप की हुई रेड कैप्सिकम और 2 फाइनली चॉप की हुई कैरेट्स डालेंगे और सभी वेजिस को अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। तो देखिए हमारी वेजिस पक चुकी हैं। अब इसमें हम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और इसको भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी वेजिस पक चुकी हैं। अब इसमें हम सोक किया हुआ पोहा ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से चलाते हुए सभी वेजिस के साथ मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा मसाला पोहा बनकर रेडी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और वेजिस को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम 5 से 6 बॉयल्ड पोटैटोज लेंगे और इसमें हम हमारी वेजिस ऐड करेंगे। आपने पोटैटोज जो हैं वो अच्छे से बॉयल नहीं करने हैं, ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है। इसको हमने थोड़ा सा कम ही बॉयल करना है, या आप इसे पहले से बॉयल करके फ्रिज में रखकर यूज़ कीजिए, तब आपकी पैटीज जो हैं वो बहुत ही अच्छी बनेंगी। अब इसको हम मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हाथों से हम इसे मैश करेंगे, इससे हमारी जो वेजिस हैं और पोटैटोज हैं वो अच्छे से घुल मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट उभर कर आएगा। तो देखिए हमारा पैटीज का मिश्रण बनकर रेडी है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इतने में हम पैटीज के ऊपर कोट करने के लिए मैदे का घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो 3 टेबलस्पून हम मैदा लेंगे और इसको क्रंची बनाने के लिए 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसको थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका सेमी थिक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। तो आपका जो पेस्ट है वो ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। तो देखिए अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें कॉर्नफ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हाथों से क्रश कर लेंगे। अब हम 2 कप और कॉर्नफ्लेक्स लेंगे और इसको भी अच्छे से हाथों से क्रश करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो पहले का हमारा कॉर्नफ्लेक्स है वो अच्छे से बारीक पोर्शन में आएगा और दूसरे वाला जो है वो थोड़ा सा मोटा पोर्शन में आएगा, तो इससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बेटर आएगी। तो देखिए इसके थोड़े से मोटे और थोड़े से बारीक पार्टिकल्स, हमें इसकी इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो देखिए हमारी पैटीज का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसकी हम पैटीज बनाकर रेडी करेंगे। ऐसे आप थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बड़ी पैटीज बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी छोटी पैटीज भी आप बना सकते हैं। इसको लेंगे हाथ में और ऐसे इसका एक बाउल बना लेंगे। इसी तरह से हम सभी मिक्सर के बाउल बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए इतने मिक्सर से हमारी 8 पैटीज बन चुकी हैं। ये हमारी बड़े साइज की पैटीज हैं, अगर आप छोटी बनाएंगे तो इससे आपकी 10 से 12 पैटीज बन जाएंगी। तो अब हम 1 कप
चीज़ लेंगे। इसको हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेज में काट लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ बर्गर बना रहे हैं तो बहुत सारी हम इसमें चीज़ फिल करेंगे। तो एक पैटी लेंगे और इसको ऐसे बीच में गड्ढा करेंगे और इसमें हम चीज़ को डालेंगे और इसको अच्छे से हम दबाते हुए ऊपर से पैटीज को बंद कर देंगे और इसको पैटीज की शेप में फिर से लेकर आएंगे। तो देखिए हमारी पैटीज बन चुकी हैं। अब हम हमारा बर्गर बन लेंगे और उसके साइज़ को हम इसके साथ देखेंगे। ये देखिए इसको रख कर देखेंगे, थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा सा और हम फ्लैट करके बड़ा करेंगे। ये देखिए, और इसको फिर से चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए परफेक्ट साइज़ हमारी पैटीज का बना है। ऐसे ही हम सभी पैटीज बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए हमारी सभी पैटीज बनकर रेडी हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो अब हम बैटर लेंगे और इस पैटी को बैटर में अच्छे से डिप कर लेंगे और इसको ऐसे सीधा ही निकालते हुए हमारे कॉर्नफ्लेक्स लेंगे और इसमें रख देंगे। इसको आपने हाथ से कोट नहीं करना है, इसको आपने ऐसे हिला हिला कर इसका कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से चारों तरफ एक जैसी इसकी कोटिंग हो जाए। अगर आप हाथ से करेंगे तो इसकी कोटिंग अनइवन रहेगी। तो देखिए दूसरी साइड इसकी हम ऐसे पलट लेंगे और फिर से इसको अच्छे से हिलाकर इसके ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे। तो देखिए एक दो सेकंड के लिए हम पैटिस को इसी में छोड़ देंगे ताकि जो कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण है वो अच्छे से पैटिस के साथ लग जाए। तो देखिए हमारी परफेक्टली पैटिस बनकर रेडी हैं। तो ऐसे ही हम सभी पैटिस बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी सभी पैटिस बनकर रेडी हैं। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। एक पैन में हम ऑयल लेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड हम फ्लिप करेंगे ताकि इसमें अच्छे से दूसरी साइड भी कोटिंग हो जाए। तो देखिए हमारी पैटीज बनकर रेडी हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है। इसको निकालेंगे और एक छलनी में ऐसे इसको रख देंगे। आपने इसको अगर प्लेट में रखा तो ये नीचे से सौगी हो जाएंगी, इसलिए हम इसे छलनी में रखेंगे ताकि नीचे से भी इसको हवा लगती रहे और ये ऐसे ही क्रंची बनी रहें। तो अब हम गर्मा गर्म पैटीज के ऊपर ही हमारा चीज स्लाइस रखेंगे ताकि जो स्लाइस हैं वो अच्छे से पैटीज के साथ चिपक जाए। अगर ठंडी हो जाएंगी तो वो स्लाइस जो है हमारा वो अच्छे से पैटीज के साथ नहीं चिपकेगा। आपने गर्मा गर्म पैटीज के ऊपर ही चीज़ स्लाइस को रख देना है। तो देखिए ये अच्छे से इसके साथ स्टिक हो चुका है। इसकी हम आवाज़ देखेंगे तो देखिए कितनी क्रंची बनी है हमारी पैटीज। तो देखिए अब हम बर्गर में लगाने के लिए डोमिनो स्टाइल मेयोनीज सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमने 3 टीस्पून मेयोनीज ली है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून स्पाइस मिक्स डालेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डालेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी डोमिनो स्टाइल मेयोनीज सॉस बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऐसे बर्गर बन लेंगे और इसके ऊपर हम बटर स्प्रेड करेंगे और इसको तवे पे अच्छे से हम सेक लेंगे। इसकी हमने एक साइड ही सेकनी है। तो अगर आप इसे ज़्यादा क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप इसकी दोनों साइड भी सेक सकते हैं। तो देखिए हमारा बर्गर बन बनकर रेडी है। अब इसके ऊपर हम नीचे का पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम मेयोनीज सॉस लगाएंगे। इसको हमने अच्छे से स्प्रेड करना है।
तो अब हम इसके ऊपर पत्ता गोभी लगाएंगे। अगर आपके पास लेटिस हो तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके ऊपर लगाने से पहले आप इसे ठंडे पानी में डिप कर लीजिए, इससे आपकी पत्ता गोभी बहुत ही क्रंची हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम पैटीज रखेंगे। अब पैटीज के ऊपर हम टमाटो स्लाइसेस लगाएंगे। और इसके ऊपर अब हम अनियन रिंग्स रखेंगे। अब ऊपर का पार्ट लेंगे और इसमें भी मेयोनीज सॉस लगाएंगे अच्छे से। और इसको बर्गर के ऊपर रख देंगे और दूसरा बर्गर भी ऐसे ही हम बनाकर रेडी करेंगे। इसको कट करके देखेंगे कि अंदर से कितना सॉफ्ट, जूसी और चीज़ी बना है हमारा चीज़ वेज बर्गर। मन कर रहा है कि अभी के अभी खा जाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिप्स एंड बाय बाय फ्रेंड्स।